नमस्कार दर्शक मित्रों, अतिथि में फरी एक बार आपनु स्वागत है। अतिथि एटले वो कार्यक्रम के जे कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तित्व साथ आपनी मुलाकात करावे छे, बातों करे छे अंतरंग। आज अपनी साथ जे संगीतनी वातो करवा माटे खरेखर ऑथेंटिक कही शकाय तेवा दुर्गा जसराजी। दुर्गा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया दीवान। दुर्गा जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, नॉर्मली बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं आपके, मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभी तो ये वेब वाले भी बहुत आ जाते होंगे, कौन सी ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है, जो मीडिया वाले बार बार पूछते हैं आपको, कौन सी पसंद नहीं है ऐसी जो इरिटेट हो जाते दुर्गा जी? इरिटेट तो नहीं होती मैं किसी भी चीज़ से लकीली अभी तक, मगर एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा पूछते हैं कि मतलब आप, मतलब जो जनरल मीडिया है पूछती है कि पंडित जसराज की बेटी होना आपको कैसा लगता है। अब मुझे सेम लगता है जैसे आपको अपने माँ बाप के बच्चे होना लगता है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट मैं उसको अपनी हस्ती से अलग ही नहीं कर सकती है। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना पता है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन वो उसको वर्ड्स में कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही, मतलब मैं वो सवाल उस ढंग में नहीं पूछूंगा, लेकिन इस दूसरी तरह से पूछते कि पंडित जसराज जी की बेटी से अलग होके अपनी पहचान बनाना क्या इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, बहुत क्योंकि एक बात है कि आप मेरे घर में पंडित जसराज जी जैसा एक बड़ा बरगद, फिर मेरी माँ मधुरा जसराज जो वी शांताराम की बेटी, द पायनियर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो दो दो बरगद के बीच में एक छोटा सा पौधा बनाना भी बहुत मुश्किल है। एक पत्ता भी आप निकालो तो उसके लिए आपको जान चली जाएगी, बिकॉज आप हमेशा, और मैं बहुत खुश भी हूँ, खुश हूँ, अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पे ऐसी महान हस्तियाँ है, मगर उसमें आपका खुद का अस्तित्व ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो एक तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि बहुत कमी रह गई है, या मुझे और कोशिश करनी चाहिए, या लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी कभी कभी आपको वो थोड़ा सा, आपको पंडित जी की बेटी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, कंपैरिजन मुझे लगता है बाहर की एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं, मगर सबसे ज़्यादा आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, आपको बहुत कम उम्र में पता चलता है कि एक्सेलेंस का लेवल क्या है, मीडियोक्रिटी से आपका कोई वास्ता ही नहीं है डे टू डे लाइफ में, सो अ लाइफ इज एट अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पेस, तो जो आप एज अ यंग, एज अ किड आप कोप अप नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत अलग लेवल है, तो आप भी अपने आप से एक्सपेक्ट करते कि मैं भी अपना मुंह खोलूं तो मेरा भी सुर उस तरह से लगे, मैं भी गाना चाहूं, क्योंकि मेंटली आप समझ रहे हो कि मुझे वैसा करना है, लेकिन आपका गला कोप अप नहीं कर पा रहा है, और आप चाहते हो कि मैं 20 घंटा रियाज करूं, लेकिन आप 2 घंटा भी करके आप थक जाते हो, क्योंकि क्या होता है कि इवन जैसे एथलीट्स का भी होता है, आप ट्रेन करते हो तब जाके आपके जो लेवल ऑफ आपके जो आवर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। एक दिन में आप अगर 4 घंटा रियाज करोगे तो आपकी बॉडी या आपके वोकल कॉर्ड थक जाते हैं, सो फिजिकली मेंटली टू कोप अप विथ योर ओन एक्सपेक्टेशन इन वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू योरसेल्फ डोंट लाइक मीडियोक्रिटी। ऐसा कभी पहला हादसा जब किसी ने बताया हो, जो हर्ट किया हो कि दुर्गा जी यार पंडित जी के एक्सपेक्टेशन में वो मजा नहीं आ रही है दुर्गा जी में? हुआ है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, मगर एक बार मुझे याद है कि मैं न्यूयॉर्क से बापूजी के साथ ही न्यूयॉर्क से लंदन आई, और लंदन में बापूजी का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था, और मैं उनके पीछे तानपुरे पर बैठी गाना गाया, तो मेरे भाई, मेरे पंडित मणिराम जी जो मेरे पिताजी के बड़े भाई और गुरु हैं, संगीत महामहोपाध्याय पंडित मणिराम जी, उनके बेटे पंडित दिनेश, जो इंटरनेशनली ही इज़ एन एक्सेलेंट म्यूजिशियन, उनका बहुत बड़ा बड़ा काम है, उन्होंने आशा भोसले को वेस्टर्न वर्ल्ड में पहला ब्रेक दिया वगैरह वगैरह, तो ही इज़ दी ओनली इंडियन हु इज़ वर्क्ड विद माइकल जैक्सन। तो वो बैठा हुआ था ऑडियंस में, और मैं बहुत थक गई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जेट लैग भी हो रहा था ये सब, तो उसने जब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ तो उसने कहा दुर्गा चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैंने कहा अब तो चटनी हो जाएगी, मुझे पता है उसका स्वभाव कैसा, आई एम वेरी क्लोज टू हिम दिनेश दादा से, तो बोले कि चलो मेरे साथ तुम, हार्ड क्रिटिक, हार्ड मतलब ही इज आल्सो परफेक्शनिस्ट ना, हम लोगों के खून में प्रॉब्लम है ना कि
थोड़ी भी चूक हो जाए तो? तो उसने कहा कि तो दुर्गा मेरे साथ आएगी. तो मैंने कहा अब तो हालत ख़राब. मैंने कहा अच्छा ठीक है दिनेश दत्त मैं आऊँगी. तो उसने मुझे कहा कि हमारे बाप दादा ने बहुत मुश्किल से नाम कमाया है, जो आज इस लेवल पे हर कोई काम कर रहा है, या जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फादर दैट डजंट गिव यू एनी लाइसेंस टू डू वॉट यू डिड ऑन द स्टेज बिकॉज ही इज़ पंडित जसराज ऑन स्टेज. ऐसे नो मगर मुझे जेट लैग हो गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है. बोले ऑडियंस जो आई है उनको कोई मतलब नहीं तुम्हारे जेट लैग से, उनको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है. वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, पंडित जसराज जी के लिए आए हैं. और जब वो उस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम चुप रहो, या तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम स्टेज पे मत बैठो, परफॉर्म मत करो. यस डोंट बी ऑन स्टेज बिकॉज. सो ये बात मेरे को बहुत दिमाग में रही, आज भी याद है, वो 88 की बात है. तो ये चीज़ रही, बट आई थॉट इट वॉज अ वेरी इट ओपन्ड माई माइंड टू सी माई फादर कि भाई वो जो ऑडियंस बैठी थी हज़ारों के तादाद में, जो लोग लंदन में आए थे, दे वर देयर टू सी पंडित जसराज. और अगर उनके परफॉर्मेंस में मेरी वजह से 1% भी अगर डाउन होता है तो इट्स रियली नॉट फेयर. दुर्गा जी का पहला परफॉर्मेंस, चाहे वो पंडित जी की बेटी हो या नॉर्मल दुर्गा जी हो, किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए अपना पहला जो परफॉर्मेंस होता है, मेरे हिसाब से कभी भी वो भूल नहीं सकता. उस वक्त की पहले की बातें, बैक स्टेज की बातें, सुबह जब उठे तब से आज तो मेरा पहला परफॉर्मेंस है, ये करना है वो करना है. परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर एंट्री होती है, इतनी सारी सैकड़ों तालियां जब एक साथ गूंज उठती है, और जब बैठे हो उस वक्त बेस्ट परफॉर्म करना है क्योंकि पंडित जी की बेटी है. दुर्गा जी का पहला शो, उसकी मेमोरीज आज मुझे रिकॉल करवा. नहीं एक्चुअली आप जो बात बोल रहे हैं सैकड़ों तालियां, ये वो सब बड़े आर्टिस्टों के लिए होता है. और लकीली एक चीज़ है कि आपने कहा कि पहला एक्सपीरियंस आप भूल नहीं सकते, लेकिन मुझे पहला एक्सपीरियंस याद ही नहीं है. ओके. क्योंकि मैं इतनी छोटी उम्र से गा रही हूँ या स्टेज पे, जो मेरी पहली जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है वो एक कनेडियन फिल्म मेकर जिन्होंने मेरे पिताजी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो इंडिया आए हुए थे. तो उन्होंने फाइनली जब वो डॉक्यूमेंट्री एडिट की है तो उन्होंने ओपनिंग शॉट ही मेरे से रखा हुआ है कि मैं गा रही हूँ, एंड आई थिंक आई एम 5 years old. तो और मैंने गाते गाते कुछ गड़बड़ की तो मैंने अपने आप को ऐसे मारा और फिर करेक्ट करके गाया, और उन्होंने वैसे के वैसे शॉट रखा है. तो वो करेक्ट किया, इसका मतलब मैंने उसके पहले भी सीखा है, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. तो इसका मतलब मैंने शायद पहले भी कई लोगों के सामने गाया होगा. तो वो एक फर्स्ट मेरा सिंगिंग है जो एक डॉक्यूमेंटेड है उनकी डॉक्यूमेंट्री में. उसके बाद स्टेज पे मैंने अगर गाया तो मैं 7 साल की उम्र थी, जो मेरी माँ ने एक ओपेरा बनाया था, बापूजी का म्यूज़िक था, तो अनुराधा पौडवाल जी के साथ मैंने डुएट मैं गाती थी उसमें. और जो मेरी एक वॉइस पहली बार रिकॉर्ड हुई इन अ रिकॉर्ड फॉर्मेट, वो मेरे नाना की फिल्म थी, मराठी फिल्म थी चंद्राची चोरी. तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दुर्गा मैं चाहता हूँ कि तुम एक रोल करो. तो मेरे लिए क्या, मेरे नाना जी का फ़ोन है. मैंने कहा हाँ ओके. सो उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है. मैंने कहा क्या. तो बोले कि तुम अपना गाना खुद गाओगी. तो मैंने कहा ओके. तो एक्चुअली अब ये लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है, आई मीन हाउ मेनी पीपल गेट एन ऑपर्चुनिटी. कितने लोग इतने इसके लिए तो स्ट्रगल करते हैं पूरे, मतलब सालों के साल निकल जाते हैं. और आपको पहला है, और कंडीशन ये कि आपको खुद का गाना खुद गाना है. तो फिर एक डुएट सॉन्ग था जो मैंने और मेरे भाई शारंग ने गाया, और हम लोग स्कूल के बाद रोज़ वो गाड़ी भेजते थे, हम लोग वो गाड़ी में बैठ के राजकमल स्टूडियो जाते थे. और राम कदम म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर है थे मराठी फिल्म्स के, तो वो हमको गाना सिखाते थे. तो कम से कम 1 महीना तक हम लोगों ने प्रैक्टिस की उस गाने की, फिर रिकॉर्डिंग हुई. उसके बाद मैंने उसी गाने को मैंने फिल्म में मेरे एक्टिंग भी की, पूरा एक रोल था. तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत पहले एक्सपीरियंसेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली. डिफरेंट मीडियम्स के नियम कायदे क्या है ये पता चला कि कैमरा अगर यहाँ है तो आपको कैसे कैमरा को इधर देखना है तो इसका क्या असर होगा, उधर देखना है तो क्या असर होगा. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें माइक यहाँ 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 रोकूंगा मैं, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद बात करेंगे, बहुत ही दिलचस्प बातें करेंगे ब्रेक के बाद. दर्शक मित्र दुर्गा जसराज जी साथ नहीं वा तो एक नानकड़ा विराम बाद. We'll be right back.
जनता नो आवाज जुओ दर रोज बपोरे 32 कलाके सु आपने कोई जातीय तकलीफ छे जो जानू जरूरी छे जानू जरूरी छे जुओ दर बुधवारे रात्रे 11:30 कलाके मात्र गुजरात न्यूज पर विराम बाद फरी एक बार स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि मां दुर्गा जी। आपने बताया कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट कम उम्र में ऐसे एक्सपीरियंस मुझे मिले जो कि इंस्टीट्यूट्स में जाने से या तो उस लेवल तक पहुंचने में लोगों को कितना वक्त निकल जाता है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये मौका भी नहीं मिलता। क्या ये बात यही है, इसी बात को लेकर दुर्गा जी ने खुद ने परफॉर्मेंस से ज़्यादा बाकी लोग जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का जो काम शुरू किया है, क्या इसके पीछे यही अंदर की भावनाएं थी? हो सकता है, बिल्कुल सही है आपका कहना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आज काम करती हूँ म्यूज़िक में करती हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माय फादर्स जीन्स, उनका जो मेरे पे प्रभाव है। और जो कंपनी चलाने की बात है या कंपनी को लेके एक इंडस्ट्री स्टेटस या इंडस्ट्री एक बनाने का जो चक्कर है या मीडिया को हम कैसे ऑप्टिमाइज उससे उसको यूटिलाइज करके लोगों तक पहुँचाए, कितना बड़ा कम्युनिकेटर है मीडिया, तो ये सब मेरे नाना जी की तरफ से मैंने जो सीखा है समझा है। मैं छोटी थी जब वो गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके जो आज भी किए हुए जो इतने बड़े बड़े काम हैं उनसे आज भी आदमी सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ के इन्फ्लुएंसेस हैं। और उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से म्यूजिशंस को हम कास्ट करें। मतलब लिटरली कास्ट, मैंने वर्ड गलती से नहीं बोला है, मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से वो म्यूजिशंस उसमें उनकी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसमें ये म्यूजिशंस होने चाहिए। ऐसा आर्टिस्ट डिपेंडेंट हम लोग कम रहते हैं। प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस है उसको लेकर उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये थॉट प्रोसेस इज माय ग्रैंडफादर्स। नाउ जो आपके ग्रैंडफादर ने किया, बिकॉज एक वर्ड आपने बहुत ही अच्छा यूज़ किया, प्रोफेशनलिज्म। ये मैं ब्लंट पूछना चाहूँगा, प्रोफेशनलिज्म में नाना जी सही है या पंडित जी? पंडित जी इतने ही प्रोफेशनल है क्या कंपेयर टू नाना जी? नहीं, आप उनके जो एक कमिटमेंट लेवल है बापू जी का, पंडित जसराज जी का, वो कमिटमेंट लेवल को आप प्रोफेशनलिज्म भी कह सकते हो। वेस्टर्न वर्ल्ड उसको प्रोफेशनलिज्म मानेगा, हम लोग इमोशनल लोग हैं इंडियंस, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उनका डेडिकेशन, उनकी तपस्या, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक को ईश्वर से ईश्वर तक पहुँचने का सबसे आसान और सबसे प्यारा माध्यम मानते हैं। हमने संगीत को इतनी इज्जत दी है, तो ये हमारे देखने का दृष्टिकोण है। वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिकन्स हैं उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पंडित जी कॉन्सर्ट अगर उनका 6:30 बजे है तो वो 5:30 बजे ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं, वो उसको प्रोफेशनलिज्म मानते हैं। तो हर एक के मतलब वो एक ही कॉइन है, उसके देखने के दोनों तरीके हैं। जो भी कोई भी बंदा अगर एक लेवल पे अपने आप को सुपीरियर अगर जिसने एस्टेब्लिश कर दिया हो, या तो मैं एक स्टेप आगे जाके कहूँ कि जो बाकी लोगों से बिल्कुल हटके है, द बेस्ट परफॉर्मर है, उसमें बाई प्रोडक्ट गुस्सा अपने आप आ जाता है। मुझे सवाल नहीं समझ। पंडित जी भी क्या गुस्से बहुत हो जाते हैं? क्योंकि हाँ? जो पंक्चुअल होते हैं उसमें बाई प्रोडक्ट आ ही जाता है वर्च्यू कि गुस्सा होना, और उस गुस्से का कभी आपको वो मिला है मौका गुस्सा झेलने का? बहुत गुस्सा तो होते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो क्योंकि परफेक्शनिस्ट जो होते हैं उनको 19-20 नहीं पसंद, 20-21 होना चाहिए। तो उनके डिक्शनरी में मतलब ये 19 वाला पॉइंट ही नहीं आता। अगर 20 है तो 21 करो, 25 करो, 19 इज नॉट गुड इनफ। तो गुस्सा बहुत होते हैं, और म्यूजिक को लेके तो उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा। कोई ऐसा इंसिडेंट दुर्गा जी के साथ? बहुत सारे हैं, मतलब इंडिविजुअली मैं अगर बात करूँ तो म्यूजिकली तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में एक बहुत गुरु मंत्र दिया, बहुत सिंपल तरीके से दिया,
वो ये है कि मैं थोड़ा सा क्लमजी हूँ, चलते चलते धड़ाम गिर जाती हूँ, चलते चलते मेरे हाथ से कुछ गिर जाएगा। तो ये मेरे बचपन से आदत है, कोई नई आदत नहीं है। और शायद क्योंकि इधर उधर देख रही होती, कुछ सोच रही होती। तो एक दिन वैनकूवर में हम लोग थे और कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी मैं, तो मैंने कहा उनको बाय बाय करके मैं ऐसे उतरी तो सीढ़ियों से फिसल के गिर गई धड़ाम। और मेरा सच्ची में अगर चेहरे पे अपने फेस पे गिरती तो मेरा काफ़ी कुछ हो जाता नुकसान। जाकिर भाई वहाँ खड़े थे, उस्ताद जाकिर हुसैन, तो उन्होंने मुझे ऐसा बॉल की तरह पकड़ा तो मैं बच गई। तो मैं फिर भी बहुत चिल्लम चिल्ली हुई और ये हुआ, तो बापू जी आए बाहर, क्या हुआ? तो देखा मैं गिर गई, तो एवरीबडी वॉज कंसर्न, अरे दुर्गा गिर गई, दुर्गा गिर गई। तो उन्होंने मुझ पर ज़रा भी दया नहीं की, उन्होंने कहा इधर आओ। तो मैंने कहा क्या? तो बोले इधर आओ। तो मैं गई, मैंने कहा एक बार भी नहीं पूछा कि लगी क्या, ये क्या हो गया, कुछ नहीं। कमरे में लेके गए वापस, उन्होंने कहा अगर दिमाग का बैलेंस सही रखो तो बॉडी का बैलेंस ठीक रहेगा। ओके, सो आप अगर उसको इन डेप्थ सोचे, अगर आप फोकस रहे कि मैं यहाँ से चल के मुझे गाड़ी में जाना है, अगर फोकस आपका वहीं रहे तो आप बराबर से स्टेप्स नीचे उतरोगे गाड़ी का दरवाजा। मेंटल स्टेबिलिटी जो है, आप जो कर रहे हो, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मैं ये कर रही हूँ बाय द वे और मैं उधर कुछ सोच रही हूँ, नहीं, जो कर रहे हो उस पर फोकस। लाइफ के, दुर्गा जी के लाइफ के इंडिविजुअल डिसीजन में बापू जी का कितना रोल? बापू जी का क्योंकि दुर्गा जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो सोती है वो करके ही रहती है। अरे बाप रे, किसने कहा? ये बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर ये किसी ने आपको कहा, मुझे नहीं मालूम। मैं बाबू जी का कितना इन्वॉल्वमेंट दुर्गा जी के अहम डिसीजनों में? इन्वॉल्वमेंट तो खैर है, मैं कहूँगी उनका गाइडेंस रहता है, लेकिन वो किसी चीज़ से रोकते नहीं आपको। ये नहीं कहते कि ये मत करो, आपको गाइड ज़रूर, अगर आप बोलोगे कि मैं ये कर रही हूँ तो बोले अच्छा इसके बारे में सोचा तुमने, इतना कह देंगे, लेकिन कभी ना नहीं कहेंगे आपको। तो गाइडेंस हमेशा रहता है, लेकिन रोक टोक कुछ नहीं है। अगर आप फेल भी होने वाले हो, अगर आप उनको लगता है कि शायद ये करके ये लड़की शायद गलत करेगी, वो आपको दो बार समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी आपको फेलियर से डराएंगे नहीं। क्योंकि मुझे लगता है उनकी लाइफ में उन्होंने एक गुरु मंत्र किया कि फेल होने से आदमी सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर आप फेल ही नहीं होंगे तो आप सीखो भी, आपकी सीख भी कम रहेगी। सो देयर इज नो फियर टू फेल। ओके फनी, यार रोकूंगा अगेन, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंतिम चरण की बातें करेंगे। दुर्गा जसरा जी साथ नहीं वातो अंतिम चरण, एक नानकड़ा विराम बाद। જનતાનો અવાજ જુઓ દરરોજ બપોરે 2:30 કલાકે। શું આપને કોઈ જાતીય તકલીફ છે? જો જાણવું જરૂરી છે। જાણવું જરૂરી છે। જુઓ દર બુધવારે રાત્રે 11:30 કલાકે માત્ર ગુજરાત ન્યૂઝ પર। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ ચરણની વાતો દુર્ગા જશરાજી સાથે। દુર્ગાજી, લાઈફ કી તીન સબસે બડી મિસ્ટેક્સ કોનસી, जो कन्फेस करना चाहेंगे कि ये मिस्टेक मैंने कर दी, अगर ये नहीं की होती तो शायद कुछ सिनेरियो अलग होता। 3 मिस्टेक्स। फर्स्ट, नॉट इवन वन रिग्रेट। गलती नहीं की कोई? गलती नहीं, मैं कहूंगी कि वो उस वक्त गलती लगती है, लेकिन बाद में अगर आप सोचो तो आपको लगता है कि अगर वो जिंदगी में आपके वो टर्न नहीं आया होता तो शायद आप आज इस स्थिति में नहीं होते। और मैं भगवान की दया से आज जो मैं कर रही हूँ उससे मैं आई एम हैप्पी, आई फील अ पर्पस इन माई लाइफ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया उत्सव स्टार प्लस के लिए, जिसकी वजह से मैंने टेलीविजन छोड़ा, जो मैं करना चाहती थी। मुझे जब वो प्रोजेक्ट मिला तो मैंने अपना टीवी का करियर कहा कि नहीं, अब मुझे ये काम करने का सही प्रोजेक्ट मिला। तो जब उसके फोटो सेशंस किए, मैं खुद उसको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंसीव्ड, एडिटर, पैकेजिंग, एवरीथिंग आई डिड सिंगल हैंडेडली। यहाँ तक कि सेट डिज़ाइन भी नितिन देसाई फाइनली फेड अप हो गए, बोले हाँ यार वी शांताराम की ग्रैंड डॉटर है, तेरे को क्या स्टेज पे चाहिए, क्या सेट चाहिए, यू ड्रॉ, मैं कर दूंगा। मतलब आई वॉज सो इन्वॉल्व।
किया पूरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद मैंने जब फोटो सेशन किए, ये किए वो किए, तो मैंने पूरे फोटो सेशन पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दिखाया. मेरे साथ तीन स्टार गेस्ट आते, चार स्टार गेस्ट आते थे एक एक एपिसोड में, हर एक अलग अलग, पंडित जसराज जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया. तो उन्होंने जब फोटो सेशन देखा तो उन्होंने बोला, दुर्गा ऐसे फोटो सेशन तो हमारा आज तक कभी हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ फिल्म स्टार्स के साथ होता है. मैंने कहा दिस इज माई विजन, दिस इज माई. तो दो मिनट तक मेरा चेहरा देखते रहे, कुछ बोले नहीं. बोले बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा डिवोर्स हुआ. मैं भी उनका चेहरा देखती रही. बोले डिवोर्स नहीं होता तुम ये आज काम नहीं करती, और ये जो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स इंडियन म्यूजिक, ये कुछ और ही है, ये तो ऐसे किसी ने नहीं किया. इट्स हिज वर्ड्स, मैं अपने आप के बारे में ऐसा नहीं सोचती. तो बोले कि अगर तुम्हारी शादी हुई होती और तुम बहुत खुश होती तो हम लोग आते तुम्हारे घर, तुम बोलते चाचा जी आइए घर पे, आइए खाना खाइए, हम लोग आते, तुम अच्छा खाना बनाती भी, हम खाते भी, हम बहुत खुश होते, तुमको आशीर्वाद दे के जाते, ये है वो है, सब सब अच्छा होता. लेकिन ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शायद नहीं होता, वो नहीं होता. कम उम्र में शादी का डिसीजन, क्या लगता है कि वो इमैच्योर डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन नहीं था, और ये मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था. उनको लगा कि शायद छोटी उम्र में शादी करके सेटल, सेटल जो एक वर्ड है ना, सेटल, तो सेटल हो जाएगी. तो उन्होंने अच्छा सोच के किया था उसमें. और मुझे आज शिव चाचा जी की बात ज़्यादा मुझे पसंद आती है कि फेलियर के बाद आपने किया क्या. अगर मैं हो गया जो होना था, हाँ, हो गया. हाँ. लेकिन उसके बाद जो पर्पस ढूंढने का अगर काम मैंने नहीं किया होता तो फिर शायद, फिर मुझे ऐसा लगता कि शायद मेरे साथ नाइंसाफी हुई. लेकिन अगर मैं वो फेलियर नहीं देखती ना, तो आप जब तक नीचे नहीं जाते ना, आप खड़े भी नहीं हो सकते अपने पैरों पर. तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट आप वो डिवोर्स नहीं, वो मैं एक एग्जांपल दी, मानो थी एग्जांपल्स, बट रियल 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 में अगर देखा जाए अपनी करियर में, अपने अभी तक के लाइफ स्पैन में, टर्निंग पॉइंट अगर कोई कहा जाए तो वो कौन सा दुर्गा जी? वो मैं दूंगी, दैट विल बी अ डिसीजन जब मैंने एक्चुअली, ये 88 की ही बात है, सॉरी 89 की बात है, कि मैं पहले बापूजी के साथ, जब मेरा डिवोर्स हो गया, सब हो गया, तो मैं 2-3 साल तक कंटिन्यूसली बापूजी के साथ ट्रैवल कर रही थी. एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेरी आई वॉज, मेरे इतना मोटा पासपोर्ट, सब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही हूँ, सारे वीज़े लगे हुए हैं, सारे कुछ. तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि ये पंडित जसराज जी का कॉन्सर्ट है, व्हाट अबाउट मी? लोग मुझे नहीं बुला रहे, लोग मुझे इसलिए बुला रहे क्योंकि मैं पंडित जसराज जी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, एंड बिकॉज आई एम अ डॉटर आई एम गेटिंग बेटर ट्रीटमेंट देन अदर्स. मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कमाया है कि आज मैं आज इस फ्लाइट में बैठ रही हूँ, कल उस फ्लाइट में बैठ रही हूँ, मैं दिन में 2-2 फ्लाइट्स लेती हूँ, 3-3 फ्लाइट ले रही हूँ. मेरी ज़िंदगी में नॉर्मल है, आज हीथरो में लैंड किया, आज JFK में लैंड किया, मैंने कल मैं कहीं और चली गई. इट्स नॉट माई लाइफ, आई हैव नॉट अर्न दिस. यू वॉन्ट बिलीव मेरे पास, मैं क्या करूँगी, मैं कैसा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, मेरे रास्ते कुछ मुझे खुद को नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज. तो बापू जी ने कहा कि अच्छा, मैं घर आई वापस, तो उन्होंने कहा अच्छा चल, कल न्यूयॉर्क, कल लंदन जाना है. तो मैंने कहा कि बापू जी मैं कल नहीं आऊँगी. कल क्यों? मैंने कहा मैं कल नहीं आऊँगी, मुझे थोड़ा कुछ करना है. तो उनको हैरानी हुई. तो बोले अच्छा ठीक है, तो तुम एक हफ्ते के बाद न्यूयॉर्क में मिलना मुझे, मेरे पास अर्निंग वीज़ास, जो H-1 वीज़ास अमेरिका के लगे हुए हैं, लंदन के लगे हुए, सब वर्क परमिट्स, ये वो सब. बोले मैं न्यूयॉर्क भी नहीं आऊँगी. क्यों? मैंने कहा बापू जी मुझे अपनी हस्ती ढूँढनी है. एंड ही वॉज स्टम्प्ड. और 3 महीने का टूर था. तो बोले अच्छा जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना, तुम्हारे पास सारे वीज़ाज हैं, फ्लाइट की टिकट्स. मैंने कहा बापू मैं नहीं आऊँगी. बोले तुम क्या करोगी? बोले मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं कुछ अपने आप के साथ कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरी जिंदगी नहीं है. जसराज की पहचान बनाना चाहती हूँ मैं. आपकी बेटी होने का हक
अपना अर्न करना चाहती हूँ, कि लोग ये ना कहे कि पंडित जसराज जी की वजह से आज दुर्गा है, उन्होंने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया, मैं आपके बेटी होने के लायक बनना चाहती हूँ। और ये मैंने उनसे कहा, एंड मुझे बहुत 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 आभारी है कि उन्होंने एक बार भी मुझको प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि मैं वीक थी उस वक्त। सो दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट, कि जब आपने ये डिसीजन लिया, मैंने अपना डिसीजन लिया। फाइन फाइन, लाइफ की एम्बैरेसिंग मोमेंट, एम्बैरेसिंग जो कि अभी भी याद आती है तो कहीं एक कोना गिला हो। वो आप नई नई शूटिंग शुरू करते हैं और आप सोचते हैं कि आपको मेकअप लगाना आ गया, आपको आपके बाल बनाने आ गए। तो एक मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित हरी प्रसाद चौरसिया, इन लोगों का। तो मैंने ऐसे फॉल्स हेयर की एक लंबी चोटी बनाई थी और मैं काफ़ी अच्छी लग रही थी, एंड यू नो आई वाज लाइक रियली ड्रेस्ड अप वेल, एंड मैं सोचा वाओ आई एम गोइंग टू बी लाइक कूल डूड। और प्रोग्राम के बीच में टक करके वो चोटी गिर गई और मैं ऐसे हाथ में ली और मैं देखा अभी मैं करूँ क्या, ये बाल ना ऐसे, मतलब वो इधर गजरे लटक रहे, नीचे से खुले हो गया, यह चोटी हाथ में आ गई, करूँ क्या। बट देन ऐसी मैंने ऐसी रखी और ऐसी कॉन्फिडेंटली स्टेज से निकल गई बाहर। ओके, तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट हैज टॉट मी कि भैया जितना आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो उतना ही करो, और अगर कुछ हो गई गड़बड़ तो उतना ही कॉन्फिडेंटली उसको फेस करके निकल जाओ, लोग ध्यान नहीं देंगे। ओके फाइन, एट लास्ट म्यूजिक लवर्स के लिए दुर्गा जी का खुद का मैसेज हमारे व्यूअर्स को। मैं मैसेज क्या दूँ, वो मुझे मैसेज दें, लेकिन म्यूजिक लवर्स और जो म्यूजिक लवर्स नहीं भी है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूजिक का सिर्फ दिल के साथ रिश्ता है, ना कि दिमाग के साथ। तो अगर आपको कोई भी म्यूजिक अच्छा लगता है तो उसमें मतलब ढूंढने की कोशिश मत करिए, लेट इट जस्ट यू जस्ट एंजॉय दैट म्यूजिक। Don't try to be intelligent with music. Music is a very emotional matter. Thank you very much, Durga ji. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you. दर्शक मित्र, खास मुलाकात दुर्गा जसराज जी साथ है नहीं। एक एवं दिल खोली ने बात करी कि कदाच क्या इंस्पिरेशनल एक एवं फेमिली माथी बिलोंग करे अने कदाच बे त्रण चार पेढ़ी थी सतत संगीत साथ जोड़ायेला परिवार माँ पैदा थयेल आ दीकरी, परंतु दुनिया ने पोतानी रीते पोताना स्वप्नों थी रंगवा माटे सजावा माटे पोते डिसीजन लीधा अने दरेके दरेक डिसीजन में प्रयत्न कर्या के सफल थवानो। विवेश के एमना हजी पण जे पण ड्रीम्स से एमनी जे पण इवेंट्स चाले छे तेमा मेक्सिमम तेमने सफलता मळे। थैंक यू वेरी मच अगेन, फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे, त्यां सुधी रजा आपसो, नमस्कार, थैंक यू।